तो आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा मध्य भारत की नदियाँ। कौन सी नदी मध्य भारत की है और किस क्षेत्र में बहती है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपसे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देंगे। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो सीधे जाके गंगा में मिलती है। एमपी की कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। उनकी लंबाई कितनी नदियों की आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो डायरेक्ट टॉपिक बिल्कुल कंठस्थ, देखो ये मध्य प्रदेश है ना, और यहाँ पर ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी, और एक है यहाँ से निकलती है यमुना। तो देखो ये है ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक स्थान यहाँ पर, इसको बोलते हैं गंगोत्री हिमानी, और ये वाला जो है यमुनोत्री हिमानी। ये गंगोत्री और यमुनोत्री, तो गंगोत्री से निकलने वाली नदी का नाम है गंगा नदी। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में अभी। तो ये है गंगा नदी, इसकी लंबाई भारत देश में टोटल चूंकि 2525 है, इंडिया में बहती है 2071 किलोमीटर। गंगा नदी, ये गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, इंडिया में 2071 किलोमीटर बहती है। गंगोत्री से निकलती है गंगा और यमुनोत्री से निकलती है यमुना। जहाँ आके मिलती है, यहाँ उत्तर प्रदेश से मिलती है प्रयाग नामक स्थान पर। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयाग कहलाता है, तो यहाँ है प्रयाग। ठीक है, तो ये नदी जो है 2525 और यमुना है 1385 किलोमीटर। तो क्या होता है, मध्य प्रदेश की कुछ नदियां हैं, एक नदी जाके मिलती है सीधी यमुना में, इसमें गंगा में, और चार नदियां आके मिलती है सीधी यमुना में। अब सुनो, ये यहां पर हो गया एमपी का मानचित्र, छिंदवाड़ा। ओके, यहां पर है अनूपपुर, अनूपपुर अमरकंटक है ना। तो अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है, पता है आपको तीन कौन सी, नर्मदा, सोन और जोहिला, तीन निकलती है। तो जो नर्मदा है ये पश्चिम की हो जाती है, फिर जोहिला और सोन ऐसे निकलती है और जाकर के मिलती है सीधी पटना, पटना में गंगा नदी में। ये है सोन नदी। क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी कहाँ मिलती है, पटना में। या क्वेश्चन आएगा एकमात्र नदी एमपी की जो गंगा मिलती है उसका नाम है सोन। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है, बन जाएगा आपको। तो सोन कहां से निकलती है, अनूपपुर से तीन, अमरकंटक, मैकल पर्वत से तीन नदी निकलती है, तीनों के नाम गंगा, नहीं कौन सी, नर्मदा, सोन, जोहिला, तीन निकलती है। उसमें से सोन जाके मिलती है पटना के पहले रामनगर नामक स्थान में, 12 किलोमीटर पहले पटना से गंगा मिलती है, बन जाएगा एमपी की एकमात्र गंगा की सहायक नदी सोन। इसे दिक्कत, उसी प्रकार से आगे देखो एमपी की चार नदियां हैं जो यमुना मिलती है, एक दो तीन चार। तो याद रखना के बी सी टी, कौन बनेगा करोड़पति, देखें कौन बनेगा करोड़पति, तू बनेगा करोड़पति। ओके, तू बनेगा करोड़पति। देखो चंबल, बेतवा, केन, टोंस, एमपी की चार नदियां जाके मिलती है यमुना में। चार कौन सी, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, कौन सी बोलो आप लोग, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस, एमपी की चार नदियां जाके मिलती है यमुना में। संगम बिंदु है इसका कहाँ कहाँ है, तो ये यमुना में है चंबल, ये है चंबल। अब चंबल, चंबल मतलब चप्पल, चप्पल कितने नंबर पहनती है आप लोग, 9 नंबर, साथ में 9, बड़ी होगी बच्ची लोग, 9 9 नंबर, और किसी ने छेड़ा तो मारेंगे 65 बार, तो 9 नंबर 65 बार। ओके, चंबल की लंबाई कितनी हो गई, 9 नंबर 65 बार। ओके, चंबल की लंबाई 965। बेतवा, तवा, तवा होता है घरों में रोटी बनाने वाला, तवा, रोटी बनाती है आप लोग, तवा लेने गए मार्केट, कितने रुपए का आता है, 500 रुपए का आता है। तो 500 दिया आपने, उसने 20 रुपये वापस कर दिया, कितने रुपए का आया, 480। तो बेतवा की लंबाई कितनी है, 480, चंबल 965, बेतवा 480। उसी प्रकार केन, केन समझते हैं, दारू केन, मार्केट गए थे मोहन फ्रूटी केन लेने, कितने की आई थी, हाँ कितने की, ये सब बता रहे थे, बता रहे बोल सर 500 रुपये की, नहीं थोड़ा महंगी हुई, सस्ती वाली केन जो है 427 रुपये की, मतलब केन की लंबाई कितनी है, 427 रुपये किलोमीटर। तो 427 रुपये की एक केन उठा के लेके आना, साथ में गिलास, ठीक है ना, चलो याद हो जाएगा। तो चंबल 965,
बेतवा 480, केन 427 और टॉस करवाएंगे अपन, क्रिकेट खेलते लंबे लंबे छक्के मारते, तो ऐसे पढ़ाई के छक्के मारो, तो टॉस करवाते हैं कितना, हमेशा 365 दिन खेलते हैं क्रिकेट, तो 365 दिन में मतलब जीवन जीते 365 दिन, तो 265 दिन तो हम क्रिकेट ही खेलते हैं, तो 265 रुपए के सिक्के से टॉस करवाया अपन ने, टॉस टोन्स बन जाएगा। तो ये है मध्य भारत नदियाँ, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, चार नदियाँ ये वाली, केबीसीटी, केन, बेतवा, चंबल, चंबल, बेतवा, केन और टोन्स, कोई दिक्कत? इतनी सीधी बात है, एमपी की चार नदियाँ जाके मिलती है यमुना में, एक मिलती है गंगा में, समझा कि नहीं? आ गया, तो ये भी आप क्लियर है, लिख लो फटाक से करके इसको। मैं नाम बोला यहाँ पर, अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला, जोहिला एमपी में बहती है,